नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके सिलसिले की। टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड से भिड़ेगी। फाइनल मैच 3 अप्रैल को कोलकाता में खेला जाएगा। टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री का कहना है कि टीम इंडिया अभी तक अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेली है। उन्होंने कहा कि भारत ने अब तक अपनी 70% क्षमता का इस्तेमाल किया है। शास्त्री के मुताबिक सेमीफाइनल में टीम इंडिया को अपना 100% देना होगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक या दो खिलाड़ी पर निर्भर नहीं रह सकते, बल्कि 6 से 7 खिलाड़ियों को पूरी ताकत झोंकनी होगी। सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। टक्कर में चोट के चलते युवराज सिंह सेमीफाइनल में नहीं खेल पाएंगे। युवराज की जगह टीम में बल्लेबाज मनीष पांडे को शामिल किया गया। इसके अलावा अजिंक्य रहाणे या पवन नेगी को भी मौका मिल सकता है। इन तीनों खिलाड़ियों में से सेमीफाइनल में किसे शामिल किया जाएगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक धोनी चाहते हैं कि युवराज की जगह पवन नेगी को खिलाया जाए। वहीं रवि शास्त्री रहाणे के पक्ष में है, जबकि विराट कोहली मनीष पांडे के पक्ष में। वेस्टइंडीज के खिलाफ सेमीफाइनल में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा क्रिस गेल से है, इसलिए कप्तान धोनी की सबसे बड़ी रणनीति गेल को फेल करने की होगी। ग्रुप मुकाबले में भारत और वेस्टइंडीज ने 3-3 मैच जीते हैं। भारत अपना पहला मैच न्यूजीलैंड से हारा था, जबकि वेस्टइंडीज अपने आखिरी ग्रुप मैच से अफगानिस्तान से हार चुका है। गुरुवार को सेमीफाइनल मुकाबले से पहले टीम इंडिया ने बुधवार को मैदान पर जमकर अभ्यास किया। सभी खिलाड़ियों ने नेट पर खूब पसीना बहाया। बुधवार को खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह पक्की की। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी चुनी थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 154 रनों का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड के जॉन्स बटलर ने 17वें ओवर में छक्का जड़ के न्यूजीलैंड को चित कर दिया। 44 गेंदों पर 78 रन बनाकर इंग्लैंड के जेसन रॉय मैन ऑफ द मैच बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। पिछले दिनों ब्रसल्स में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। आतंकवाद पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को आतंकवाद का पता नहीं है। पीएम ने कहा कि आतंकवाद की परिभाषा तय होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद किसी देश या भूभाग को नहीं, बल्कि पूरी मानवता को चुनौती दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने जितने जवान युद्ध में नहीं गंवाए, उससे ज्यादा आतंकवाद से शहीद हुए। पीएम मोदी ने कहा कि 9/11 हमले के दुनिया को झकझोर दिया था। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि कोई भी धर्म आतंकवाद नहीं सिखाता है। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही है, पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रही है। पीएम मोदी ने ब्रसल्स में अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। पीएम ने कहा कि साल 2015 में सबसे ज्यादा यूरिया का उत्पादन हुआ है। पीएम ने कहा कि आजादी के बाद एक साल में सबसे ज्यादा इस साल गरीबों को गैस कनेक्शन दिया गया है। पीएम ने वादा किया कि 5 करोड़ गरीब परिवारों को फ्री में गैस कनेक्शन दिया जाएगा। पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि साल 2015 में देश में सबसे ज्यादा दूध, कोयला और बिजली का उत्पादन हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा रेलवे में निवेश साल 2015 में हुआ। साल 2015 में ही बंदरगाहों पर सबसे ज्यादा माल ढुलाई हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद साल 2015 में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भारत आई और देश में कारोबार करने के लिए बेहतर माहौल तैयार हुआ। पीएम मोदी ने जनधन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के तहत 21 करोड़ गरीब के बैंकों में खाते खोले गए और इन लोगों ने 34,000 करोड़ रुपए बैंक में जमा किए। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए विजय माल्या पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो बैंकों का पैसा लेकर भाग जाते हैं और देश का गरीब बैंकों में पैसा जमा करता है। पीएम ने कहा कि केमिकल कंपनियों के जरिए होने वाली यूरिया चोरी की पूरी तरह खत्म हो गई है। ये चोरी रोकने के लिए अब यूरिया पर नीम कोटिंग की जाती है, ताकि केमिकल कंपनियां इसका इस्तेमाल ना कर सकें। पीएम मोदी ने कहा कि अगर ठान लिया जाए तो भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो सकता है। पीएम ने कहा कि सब्सिडी का पैसा सीधे आम आदमी के खाते में डालकर भ्रष्टाचार काफी हद तक कम किया है। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगर मोदी के खिलाफ कहीं जोर से आवाज आए तो समझ लेना कि मोदी ने चाबी टाइट की है और दाल में कुछ काला है। 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने के अपने वादे को याद दिलाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 7 महीने में 7,000 गांवों में बिजली का खंभा और बिजली की तारें पहुंच गई।
पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि गर्व ऐप के जरिए कोई भी गांवों में बिजली से जुड़े आंकड़े देख सकता है, ये पता लगा सकता है कि कब और कहां कितने बिजली खंभे गाड़े गए। पीएम मोदी ने कहा कि बच्चियां स्कूल ना छोड़ें, इसलिए केंद्र सरकार ने 4.25 लाख स्कूल में टॉयलेट बनाए। पीएम के मुताबिक अब ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहां टॉयलेट ना हो। पीएम ने कहा कि अब 20 से 22 किलोमीटर रोज सड़क बन रही है, पहले यह आंकड़ा 2 से 3 किलोमीटर प्रतिदिन का ही था। पीएम मोदी ने कहा कि बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद सुलझाकर उनकी सरकार ने दुनिया के सामने मिसाल रखी है। पीएम ने कहा कि जिन्हें भारत में रहना था वो यहाँ आए और जिन्हें बांग्लादेश जाना था वो वहां गए। पीएम ने कहा कि पहले की सरकारें सिर्फ वादा ही करती थी, लेकिन उनकी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन को लागू किया जिससे लाखों सैनिकों को फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से पहले वहां रंगारंग कार्यक्रम हुए। गायक नवीन कुंद्रा ने भी प्रस्तुति दी। पीएम को सुनने हजारों लोग पहुंचे। ब्रसेल्स में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी आज से शुरू हो रहे परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के वॉशिंगटन रवाना हो गए। अमेरिका में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने अमेरिकी एनएसए सून राइस से भी मुलाकात की। उत्तराखंड के सियासी संकट में नया पेच आ गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरीश रावत सरकार की बहुमत साबित करने पर फैसला फिलहाल रोक लगा दी। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति शासन लगाने पर केंद्र सरकार को जमकर फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि केंद्र का काम करने का तरीका सही नजीर पेश नहीं कर रहा। कोर्ट ने दोनों पक्षों से हलफनामा दाखिल कर 4 अप्रैल तक अपना पक्ष रखने को कहा। पहले कोर्ट ने 31 मार्च को रावत सरकार को विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने को कहा था। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आपातकालीन कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य के खर्चे के लिए विनियोग अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जनता का भरोसा नहीं, इसलिए वो सीबीआई और आईटी विभाग का इस्तेमाल कर रही है। उत्तराखंड में सियासी उठापटक पर शिवसेना ने अपने मुख्य पद सामना में केंद्र पर सवाल उठाए। सामना ने शिवसेना में लिखा कि उत्तराखंड में बीजेपी ने लोकतंत्र का गला घोट दिया। सामना में लिखा है कि जब राज्यपाल ने सीएम को 28 मार्च तक बहुमत साबित करने का वक्त दिया था तो एक दिन पहले राष्ट्रपति शासन लगाकर क्या हासिल हुआ। 2013 में मुजफ्फरनगर और शामली में हुए दंगों में मारे गए 17 लोगों की लाशें ही गायब कर दी गई हैं। आई बी एन 7 की एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक पिछले 3 सालों से मारे गए लोगों के घर वाले इंसाफ के लिए भटक रहे। लाशें गायब करने का आरोप दंगाइयों और पुलिस पर लगा है। आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी में यूपी पुलिस ने खुद ये जानकारी दी। पठानकोट हमले की जांच के लिए भारत आई पाकिस्तानी जांच टीम और एनआईए के बीच आज भी बैठक हुई होगी। एनआईए ने पाकिस्तान से जैश मुखिया मौलाना मसूद मजहर से पूछताछ की इजाजत मांगी। पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी सांसद आरके सिंह ने पाकिस्तान की जांच टीम के भारत दौरे पर सवाल उठाया। उनके मुताबिक पहले पाकिस्तान में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और फिर जांच होनी चाहिए। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया। ट्रंप ने कहा कि समस्या का समाधान केवल उनके पास ही है। ट्रंप ने कहा कि परमाणु हथियारों से संपन्न पाकिस्तान बहुत बड़ी समस्या है और पाक जिस स्थिति में है उसे रोकने की जरूरत है। बिहार विधानसभा ने शराब पर पाबंदी के लिए कानून पास कर दिया। अप्रैल से अब राज्य में देशी शराब पर प्रतिबंध होगा। विधानसभा सदस्यों ने भी शराब ना पीने की शपथ ली। बिहार में शराब पर पाबंदी लगाने पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा कि यह सरकार की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बिहार सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। बैंकों के 9000 करोड़ रुपए के कर्जदार उद्योगपति विजय माल्या ने सितंबर तक 4000 करोड़ रुपए लौटाने का प्रस्ताव रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के संघ को इस प्रस्ताव पर विचार करने को कहा। विजय माल्या के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट 7 अप्रैल को सुनवाई करेगा। माल्या पर करीब 6900 करोड़ रुपए का कर्ज और करीब 2000 करोड़ रुपए का ब्याज बकाया है। गुजरात और सिख दंगों को अलग अलग बताने के कन्हैया के बयान पर बीजेपी सांसद किरण खेर ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कन्हैया इमरजेंसी और 1984 में हुए सिख दंगों में फर्क नहीं कर पा रहे। किरण के मुताबिक 1984 का सिख दंगा कांग्रेस नेताओं के जरिए कराया गया नरसंहार था। उन्होंने कहा कि कन्हैया अपने परिवार का ध्यान रखने के बजाय सियासत कर रहे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने विधायकों की सैलरी दोगुनी करने के फैसले पर मोहर लगा दी। विधायकों की तनख्वाह 71,000 से बढ़कर 1,10,000 कर दी गई, जबकि मुख्यमंत्री की तनख्वाह 2 लाख हो जाएगी।
वित्त विभाग की ओर से पुरानी परंपरा के मुताबिक विधायकों को गिफ्ट भी दिया गया। इस बार गिफ्ट में माइक्रोवेव ओवन दिया गया, जिसकी कीमत करीब 7,000 बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 7 जवान शहीद हो गए। ये सभी जवान सीआरपीएफ की 230 बटालियन के थे। धमाका इतना जबरदस्त था कि सीआरपीएफ की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और सड़क पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। आसाराम के कथित शार्प शूटर कार्तिक उर्फ राजू बंगाली ने किया सनसनीखेज खुलासा। कहा, कुछ लोग आसाराम को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाने का फैसला किया गया। पुलिस की पूछताछ में कार्तिक ने खुलासा किया कि आसाराम के खिलाफ बगावत करने वालों को रास्ते से हटाने के लिए 10 लोगों की टीम बनाई गई थी। कार्तिक ने आरोप लगाया कि आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले अमृत प्रजापति ने 50 करोड़ रुपए मांगे थे और पैसे नहीं देने पर रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी थी। आईवीन 7 पर नोएडा अथॉरिटी में ठेकेदारी से जुड़े घोटाले की खबर के बाद अथॉरिटी के कर्मचारियों ने भी दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। आईवीन 7 ने सोमवार को दिखाया था कि किस तरह से नोएडा अथॉरिटी में ठेकेदारों के नाम पर घपला किया जा रहा है, जिसके बाद नोएडा चेयरमैन रमा रमण ने जांच के आदेश दिए थे। आईवीन 7 को आरटीआई से नोएडा अथॉरिटी में काम करने वाले 11 ठेकेदारों के नाम मिले थे। जांच में पता चला कि कई ठेकेदार बताए हुए पते पर नहीं रहते। अथॉरिटी के कर्मचारियों को भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। महाराष्ट्र में डांस बार से जुड़े नियम और कड़े होंगे। राज्य सरकार के ड्राफ्ट के मुताबिक बार वालाओं पर पैसे लुटाने या फिर उन्हें छूने पर 50,000 का जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार के ड्राफ्ट के मुताबिक बार में डांस करने वाली महिलाओं की उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए और बार रात में 11:30 बजे तक ही खोले जा सकेंगे। ड्राफ्ट के मुताबिक डांस बार मालिकों को बार में महिला सिक्योरिटी गार्ड और महिला वेटर भी रखना होगा। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे खुदाई के दौरान 31 दरवाजों वाली एक गुफा मिली है। गुफा 76 मंजिल से शुरू होकर फरहत बख्श कोठी तक जाती है। पुरातत्व विभाग का मानना है कि ये कोठी से भी आगे तक जा सकती है। यहाँ नाव बांधने के कड़े भी मिले। पुरातत्व विभाग के मुताबिक ये करीब 250-300 साल पुरानी जगह है। गुजरात के बनासकांठा जिले में एक अध्यापक ने बैंक में कपड़े उतारकर जमकर हंगामा किया। दरअसल बैंक स्कूली छात्रों के अकाउंट खोलने में आनाकानी कर रहा था, जिससे अध्यापक नाराज था। मुंबई में एक समारोह में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि अगली सदी का सबसे बड़ा बदलाव डिजिटलाइजेशन और जियो दुनिया की सबसे बड़ी शुरुआत है। यूपी के रायबरेली में फर्जी दस्तावेज लगाकर एक महिला एक के ग्राम प्रधान बनने का मामला सामने आया। मामला कोर्ट पहुंचने के बाद आरोपी महिला प्रधान को जेल भेज दिया गया। आरोप है कि रायबरेली के शकरपुर गांव की शांति देवी ने दस्तावेज में अपनी उम्र गलत दिखाई। नाबालिग होते हुए भी उन्होंने खुद को बालिग बताया। उत्तर प्रदेश के बस्ती के सोहेला गांव में एक गर्भवती महिला की दबंगों से पिटाई का मामला सामने आया। महिला को जब अस्पताल ले जाया गया तो पुलिस केस बताकर डॉक्टरों ने उसे भर्ती करने से भी मना कर दिया। पिटाई के कारण महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। आरोप है कि पीड़िता और उसका पति जब थाने पहुंचे तो पुलिस शिकायत दर्ज करने के बजाय सुलह करने का दबाव बनाने लगी। यूपी की डेवलपमेंट अथॉरिटी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को नोडल एजेंसी बनाया है। लखनऊ से बलिया तक चलने वाले ये एक्सप्रेसवे 348 किलोमीटर लंबा होगा, जिसे बनाने में 19,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यूपी के मिर्जापुर के शाहपुर चौसा में स्कूल खोलने के पहले ही दिन छात्र धरने पर बैठ गए। दरअसल स्कूल के ऊपर से हाईटेंशन तार गुजरती है, जिससे कभी भी दुर्घटना घट सकती है। दिल्ली के होटल से लापता हुई सऊदी अरब की लड़की मुंबई में मिल गई। सोमवार को लड़की खुद ही अपने पिता से लड़कर मुंबई चली गई थी। लड़की का परिवार रविवार को इलाज के लिए दिल्ली आया था। महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर मंदिर विवाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 2 दिन में जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि अगर पुरुषों को मंदिर में जाने की इजाजत है तो महिलाओं को क्यों नहीं। बिहार विधान परिषद के गेट पर कांग्रेस और जेडीयू के विधायक सरेआम भिड़ गए। कांग्रेस के दिलीप चौधरी और जेडीयू के राजकिशोर कुशवाहा के बीच तीखी बहस हुई। एपी के सतना जिले में जमीन विवाद को लेकर बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। इस हमले में 3 लोग घायल हुए। सरकारी जमीन के कब्जे को लेकर बीजेपी नेता शिल्लू उतामकर और आरोपी में ठन गई। हत्या के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। एमपी के ग्वालियर में जहरीली गैस का रिसाव होने से 3 किसानों की मौत हो गई। जिस वक्त हादसा हुआ तब किसान बोरिंग में मोटर डाल रहे थे। एक किसान कुएं के अंदर मोटर डालने गया, लेकिन गैस रिसाव होने से वो बेहोश हो गया। इसके बाद बाकी 2 किसान अंदर गए तो उनकी भी मौत हो गई।
पटना में दो युवकों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। बोगीपुर गांव में खून से लथपथ दो युवकों के शव बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक युवकों की हत्या कर लाशों को इलाके में फेंका गया। पुलिस सीमा विवाद बताकर काफी देर मामले को सुलझाने से बचती रही। वहीं पटना में एक दुकान के कर्मचारी भी गायब है। पंजाब में कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर ने सराफा कारोबारी से मुलाकात की। उन्होंने सराफा कारोबारियों की एक्साइज ड्यूटी हटाने की मांग का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने इसे वापस ले लिया था, लेकिन केंद्र सरकार का रवैया कारोबारियों की तरफ असंवेदनशील है। वेस्ट दिल्ली के तिलकनगर इलाके में नाइजीरियन युवक को उसकी मंगेतर के ही आगे मौत के घाट उतारने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बुधवार सुबह पहले कुछ नाइजीरियन युवक के मृतक के घर घुसकर उसकी पिटाई की और फिर उसकी मंगेतर के सामने उसे घर की तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। घायल युवक को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मंगेतर ने एक आरोपी की पहचान की है। यूपी के औरैया में 19 मार्च को बुजुर्ग की हत्या मामले में पुलिस ने उसके बेटे को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक बेटे के अवैध संबंधों का विरोध करना उसके पिता को भारी पड़ा। बेटे ने अपने पिता की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में मृतक के बेटे ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। शाहिद के भाई ईशान और सैफ की बेटी सारा खान एक साथ बॉलीवुड में डेब्यू कर सकते हैं। खबर है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सीक्वल में सारा और ईशान को लॉन्च करेंगे करण। बॉलीवुड के सुपरहिट म्यूजिकल फिल्म तनु तुम बिन का सीक्वल तुम बिन टू बनने जा रही है। फिल्म में नेहा शर्मा, आदित्य सील और आशिम मुख्य भूमिका में होंगे। सलमान खान एक बार फिर मामा बन गए हैं। सलमान की बहन अर्पिता ने बेटे को जन्म दिया। अर्पिता के पति आयुष शर्मा ने ट्विटर पर खान परिवार के साथ बच्चे की फोटो पोस्ट की। अमेरिका की ज्वेलरी कंपनी और जूता कंपनी ने मिलकर दुनिया के सबसे महंगे जूते बनाए हैं। जूतों की कीमत $4 मिलियन है। इसमें नीलाम करके दान दिया जाएगा।